शिट 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 यार मम्मा, क्या किया तूने? मैं वॉलेट घर भूल आया हूँ यार। लानत रजी बनी, हमेशा जलीली के वाला कुछ ना कुछ बाई। जिन्ने बीमार सब नु शिफा, किस पीछे मेरे वीर नु मुकम्मल शिफा। आमीन। से सलामती अपने बच्चे सी ते सलामत रहे मौला। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अच्छा जी, कल वाले व्लॉग में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि अम्मा का चेहरा उतरा हुआ क्यों है, अम्मा रो क्यों रही हैं, अम्मा की आंखें नमदीदा होती हैं, नमदीदा क्यों हैं। तो अब वो कमेंट इतने ज़्यादा थे, मैंने कहा अब यहाँ पर रिप्लाई करूँगा, एक बंदा पढ़ लेगा बाकी बंदे नहीं पढ़ेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि सुबह वाले व्लॉग में अम्मा से ही पूछ के बता देंगे कि जी आपकी आंखें नमदीदा क्यों थी और आप रोने वाली क्यों हुई हुई थी, जबकि मैंने इनको 3-4 बार कहा था कि यार आंखें साफ कर लो या अपना मूड थोड़ा सा बेहतर कर लो, लेकिन वो हो नहीं पाया उनसे क्योंकि एक नेचुरल अमल था। तो अम्मा से ही पूछ लेते हैं कि क्या वजह थी। बट सही अभी फिर अच्छा बस करो, क्या हो गया बताओ अपने बच्चों को। सबको परेशानी हुई हुई थी कि अम्मा रोने वाली क्यों हुई हुई हैं, अम्मा को कोई टेंशन है, बताओ बता भी दो और साथ इल्तमास दुआ भी कर दो, सबसे दुआ के लिए अपील भी कर लो। मैं यही सारे बच्चों से कहूंगी कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, प्यार का इश्क करती हूँ अपने भाइयों से। मैं मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सबसे मेरी इल्तमास है कि उसकी सेहत सलामती के लिए आप दुआ करो, मौला उसको लंबी उम्र दे, जिंदगी दे सलामती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सीन ऐसे है कि मेरे बड़े मामू, मेरे दो मामू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े मामू का थोड़ा सा इशू हुआ है हार्ट का, तो उनकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन स्टंट डलने हैं। तो अम्मा बस उस चीज, अभी मम्मा को उस दिन खबर मिली थी जिस दिन परसों वाले व्लॉग में अम्मा को उसी दिन खबर मिली थी, तो अम्मा वाज सो डिप्रेस्ड और रोने वाला चेहरा हुआ था, लेकिन व्लॉग कर रहे थे तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ना आइडिया हो, लेकिन जो प्यार करते हैं वो आंखों से ही पहचान लेते हैं। तो आप सबसे इल्तमास है कि अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कि अल्लाह पाक कब किसकी दुआ कबूल फरमा ले, बस स्टंट तक ही बात रहे, ऑपरेट या सर्जरी तक बात ना जाए। और जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यार मेरी बात सुनो, आप ये बाल क्यों नहीं अपने ठीक कर रहे मम्मा, सारे वाइट हुए हैं यार। ना साथ लो वीरबल की मौला इमाम मूसा कादम अलैहिस्सलाम की विलादत आएगी, फिर करूंगी ना मैं, इन दिनों में तो नहीं कर सकती। ओ हाँ, मुहर्रम चल रहे हैं, मुहर्रम का सारा महीना अम्मा ने पेंट नहीं किया ना अपने बालों को, कलर नहीं लगाया तो मुझे अजीब अजीब लग रहा था, फ्रंट सारा वाइट हुआ है। यार मुझे भूख लग गई है अम्मा, नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि आपको याद होगा मैंने आपको एक दो व्लॉग पहले बताया था कि एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज आप सबको देना है। आई नो वो सरप्राइज थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन वो लेट हो रहा है दूर के रिश्तेदार मतलब गजल जवाब की वजह से। वो साहब दादी आपको पता है इस्लामाबाद गई हुई है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कल रात को सेफली लाहौर आ गई है, तो उसके बगैर वो सरप्राइज इनकम्प्लीट है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल या परसों आपको वो सरप्राइज मैं बता दूंगा, दिखा भी दूंगा और गजल के साथ बैठ के उसकी फैमिली के साथ बैठ के बताऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या चाहिए? डर गया। हाँ जी, जिंदगी दी परेशानियां खत्म हुई ने कि नहीं हुई सरकार? नींद सुकून की आ रही है, दिखाओ जरा मोबाइल। आया फिर नवा हो गया, सिद्धू मूसे वाला जुड़ गया तेरा? हाँ भाई, सिद्धू मूसे वाला जुड़ गया, चलो हैव फन। यार कैसे बेवफा लोग हो तुसी, खुदा दी कसम, वो जेड़ी बेचारी ने ताड़े वास्ते गर्मी च खलो के नाश्ता बनाया है उसका इंतजार ही नहीं किया। मैं देख लो अभी तक नाश्ता वहीं पड़ा हुआ, एक बाइट नहीं ली, आपने नाश्ता स्टार्ट भी कर दिया, तू भी स्टार्ट कर लिया है? क्या एक बज गया तो क्या हुआ, 10 मिनट में आ रही है, वॉशरूम ही गई थी वो, दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रही है, नाश्ता मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है। दुख हुआ यार पापा, दुख हुआ, बेगम के साथ ही वफादारी नहीं है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया, अब क्या सीन है? सीन ये है कि आज है 21 तारीख और मैंने अभी तक ना अपने और ना गजल के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट ही जमा नहीं कराई, उसकी डेड लाइन होती है 10 तारीख, लेकिन मैं थोड़ा सा मसरूफ था मजालिस वगैरह में, टाइम नहीं लगा। तो अभी निकलते हैं, भाग के जाते हैं अपनी भी और गजल की भी, दोनों प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं ताकि ये काम भी वाइंड अप। क्या यार मम्मा, जब बताती हूँ। क्या बताती हूँ? मैं तेरे साथ चलती हूँ ना। आपने किधर जाना है?
गाड़ी में बैठ बताती हूँ चल। मैंने कहीं नहीं और जाना, मैं इंस्टॉलमेंट जमा करवा के आ रहा हूँ, बाहर गर्मी बहुत है। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई शौक नहीं तेरे साथ जाने का। अच्छा जरूरी है इसी कह रही हूँ, गाड़ी निकाल में बैठ। तो यहीं पे बता दो, बाहर निकलो। अच्छा चलो ये आराम से बात करो, सुन लिया करो। बड़ा आराम से बात की आपने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आजो भी आजो 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 आजो, वालेकुम अस्सलाम। सरकार अब बताओगे कि नहीं बताओगे, क्या करने आए हो आप साथ इतनी गर्मी में? तो इतना गधा है तुझे, मैं 5 दिन से कह रही हूँ करजवेली घर की ग्रोसरी खत्म है। तू सुनी अनसुनी कर देता था। फिर मैंने कहा आज मुझे जबरदस्ती करनी पड़नी है, अभी आप चलो ना इंस्टॉलमेंट जमा करवाओ वहाँ पे, फिर वहाँ से सीधे जाएंगे ग्रोसरी करने, ग्रोसरी पूरे घर की करेंगे फिर घर जाएंगे। ऐसा तूने जाना ही नहीं था, ये तरीका निकाला मैंने आपके साथ भी। इमोशनल टाइम नहीं मम्मा, सुनी अनसुनी नहीं करता, आपके सामने ही है, टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा था, इतनी मसरूफियात चल रही थी। तो फिर हाँ जी हाँ जी, पूरी रात 3-3 बजे तक तो बाहर पीने का तेरे पास टाइम होता है, हैं? और घर के कामों के तेरे पास टाइम नहीं, छोड़ दे। अच्छा चलो छोड़ दिया। हाँ जी। मैं ग्रोसरी करवाऊंगा आपको, जितनी आप कहोगे उतनी ग्रोसरी करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तो प्यारा सा नोहा या कसीदा सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। आजा वे लाले असे गए, आजा वे लाले असे गए, झूला तेरा झूलावा, झूला तेरा झूलावा, क्यों रुस गया है मातों, आजा मैं वारी जावां, आजा वे लाले असे गए, आजा वे लाले असे गए। तू मेरा नाजनीन डाडी गरम जमीन, तू मेरा नाजनीन डाडी गरम जमीन, आते कुझोली पाके, आते कुझोली पाके, वाला दिछा बनावा, आजावे लाल असगर, आजावे लाल असगर, असगर मुहाना मोड़ी, संगत नमा दी तोड़ी, असगर मुहाना मोड़ी, संगत नामा दी तोड़ी, झोली चो लाल देके, झोली चो लाल देके, सुखी सो दिया ने मामा, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। आप बैठो जी, मैं इंस्टॉलमेंट जमा करवा के आया। ठीक है यार मम्मा, मैं तो बड़ा थक गया हूँ, मैं कहता हूँ अभी घर चलते हैं, कल या परसों चलेंगे ग्रोसरी करने, क्या ख्याल है? ये जो मुंह ना इसको बंद करो और ग्रोसरी कर, जरूर हवा खानी शुरू कर लो। क्या खानी शुरू कर लो? हवा। हवा खानी? हवा मुझसे नहीं खाई जाएगी, हम ग्रोसरी वही है फिर जिसकी ग्रोसरी नहीं करनी पड़ती, खाओ और जियो। नहीं हम ग्रोसरी कर लेते हैं, हवा मुझसे नहीं खाई जाएगी। चलो फिर चलो जी, चलो 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 चलो। हाँ ये ठीक है, ये ले लो। हाँ यही ग्रीन ही, ग्रीन ही ले लो ले लो। हाँ जी चलो ओके चलो। ये 5-7 दिन अम्मा की ग्रोसरी लेट हो गई है ना, अब अम्मा ने दूहा दू सुनना ही नहीं है। देखी जाओ क्या करती है मेरे साथ, क्या फजूल चीजें ले जा रहे हो। ये फजूल है तो और क्या, गंदे बर्तन में खाना खा लो। मैं खा लूंगा गंदे में भी खा लूंगा, तुम्हारा मान नहीं है। हाँ जी और कोई चीज ले लो सब उठा लो, शाबाश। ये वही चीज है आपकी जो आपने काम की उठाई है, वरना सारे जहान की फजूल चीजें आपने निकाली अभी तक। हाँ जी इसको ट्राई करती हूँ। ये क्या है? सूप है मजी, जान पता क्या, कोई स्वाद की चीज ले लो मम्मा, पैक करने के लिए। चलो जी ले लो। यार ये अभी तो आपने 3 पैकेट लिए हैं, उल्लू के पट्टे, वो ऑयल है, ये घी है। ओके सॉरी सॉरी, हर चीज पूछता है ये, सॉरी सॉरी।
चलो जी, छोटी सी मेरी फैमिली है, 10 किलो आटा भी हमें काफी है, बस खत्म चले। चलो जल्दी करो, फिर जल्दी करो। ये आ गई जी दाल माश। ओके जी। यार मम्मा कितने प्यारे लग रहे हो आप दुकानदारी करते हुए। लाओ। ओके ओए बिस्मिल्लाह। चलो जी। ओके बस काफी। चलो। ओए शिट 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 यार मम्मा, क्या किया तूने? मैं वॉलेट घर भूल आया हूँ यार। लानत रे जबरी, हमेशा जलील ही करवाना कुछ ना कुछ, बाहर निकल। यार अभी बिल करवाने जा रहा हूँ तो मैंने हाथ मारा पॉकेट में, मैं वॉलेट गाड़ी में नहीं, मुझे नहीं तो हाथ मुझे मुझे याद है कि वो मैंने घर पे रखा था ड्रेसिंग टेबल पे, वहीं भूल आया हूँ मैं। अब क्या कसम से जबरी तुम? अब क्या आपके पास नहीं है पैसे? मेरे पास पैसे। अब क्या करें फिर? अब मैं घर जाऊंगा तो आप कहाँ बैठे लोगे राशन लेके? सारा जलील करवाना है तुमने ना, वादा लिया होगा मैं माँ को, भाई निकल के जलील करवाऊंगा मैं। पहली बार ही हुआ क्या? हो गया ऐसे जलील जलील कर रहे हो जैसे हर बार जलील करवाता हूँ मैं। फोन करो, आप एक काम करो, आप इसको लेके आगे बैठो चेयर पे, वेटिंग एरिया में। मैं वैस को फोन करता हूँ, वो ले आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते, नहीं टेंशन लेनी। अच्छा हाँ चलो आ जाओ, क्या हो गया? अम्मा जी इधर बैठो आप। ठीक है, मैं 5 मिनट में आया वॉलेट लेके। अब ऐसा आ रहा, मैंने कॉल कर दी उसको। ठीक है, आया मैं। A few moments later. आ गया मेरा दोस्त, आ गया मेरा दोस्त, आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। किधर पड़ा था वॉलेट? मिंसा के पास था, वो कार्ड शार्ड सब कुछ खोल के बैठी। खुदा की कसम इस लड़की से बड़ा परेशान हूँ। मैं कहूँ मैं वॉलेट निकालता नहीं हूँ गाड़ी से, कहाँ चला गया? कैसे आया? कैसे है? मैं बाइक पे आया। चल ठीक है, तू पहुँच, मैं आ रहा हूँ। बस हो गई ग्रोसरी, बिल करवा के आ रहा हूँ। ठीक है, ये लो डार्लिंग, अब चाहे इतनी शॉपिंग और कर लो, आ जाओ जल्दी करो। देख रहा हूँ मैं आपको, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं आपको, देख रहा हूँ। गर्मी है, आ जाओ जल्दी करो। मैं थक गया हूँ मम्मा, सामान रखो डिग्गी में, जल्दी करो। ड्राइवर क्या कहा है? ड्राइवर मैंने पैसे दिए ना, फिर रखो सामान जल्दी करो। चलो रखो मम्मा, मर्जी वैसे बदमाशी ना किया करो। मैं चलो एक एक चीज़ तो रखो यार। एक, अच्छा दो, बस ड्रामेबाजी कर रहे हो ना मम्मा, मर्जी है आपकी, गर्मी देख लो कितनी है। चलो जी बैठो। ओए चलो बट साहेब। थैंक यू बट साहेब, आई लव यू बट साहेब, आई लव यू टू जानी। आ जा भाई, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा भाई। मैं तो थक गया भाई, ओ खोल दो। क्या कह रहे हो? बहुत वजन, 10 किलो। मर्जी है मम्मा, आप सुकून से घर बैठ के टीवी चैनल देख रहे हो। बेगम आपकी ने बाहर मुझे काम पे लगाया हुआ इतनी गर्मी में। आपको किस लिए रखा हूँ? वाह बरसर, क्या खूबसूरत जवाब दिया इसको। बड़ी बात है, आप दोनों को जवाब बड़े आते हैं। लो जी नमाज का टाइम हो गया, जिम का भी टाइम हो गया, सुबह का निकला हूँ और 5:15 बजे वापस घर आ रहा हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें, ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।